चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय जींद में मंगलवार सुबह 11 बजे इंडक्शन प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें विश्वविद्यालय के सभी डिपार्टमेंट्स के हेड तथा स्टूडेंट्स शामिल हुए। इस कार्यक्रम में डॉक्टर प्रमोद कुमार ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की तथा दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम की शुरुआत म्यूजिक डिपार्टमेंट द्वारा वंदे मातरम गीत गाकर की गई। इसके बाद डीन ऑफ यूथ अफेयर्स ज्योति शोरान मैम ने इंडक्शन प्रोग्राम के बारे में बच्चों को बताया। बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजिंग दिस इंडक्शन प्रोग्राम इज टू इंडक्ट एंड इंट्रोड्यूस द फ्रेशर्स इन द यूनिवर्सिटी टू गेट सो दैट दे कैन गेट टू नो द फंक्शनिंग ऑफ द वेरियस ऑफिसेज ऑफ द यूनिवर्सिटी। इंडक्शन प्रोग्राम की शुरुआत सबसे पहले डीन ऑफ मैनेजमेंट डॉक्टर एस के सिन्हा द्वारा की गई। इसके बाद हर डिपार्टमेंट के हेड्स ने स्टूडेंट्स को उनके डिपार्टमेंट के कार्य करने के बारे में बताया। कार्यक्रम के दौरान योगा डिपार्टमेंट द्वारा बहुत ही खूबसूरत एक्ट की प्रस्तुति की गई। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे आईजीयू रजिस्ट्रार डॉक्टर पवन कुमार ने विद्यार्थियों को कुछ महत्वपूर्ण लाइफ लेसन दिए। इसमें हेजिटेशन नहीं है कि मैं हिंदी बोलूं या मैं इंग्लिश बोलूं। मेरा पॉइंट ये है कि यू शुड डेवलप योर कैपेबिलिटीज नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, अब तो कंप्यूटर लैंग्वेज की बातें होने लगी हैं। तो सेकंड से यूनिवर्सिटी है, वहां सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि हम छोटे घरों से आते हैं लेकिन सबने पढ़े हुए अभावों का रोना नहीं रोना है, अपने आप को कमजोर नहीं दिखाना है। और आप कमजोर नहीं दिखाएंगे तो आप अपना रास्ता ढूंढ लेंगे। तो ये तो फैक्ट है कि आप रूरल सेटिंग में है। हमारे साथी कह रहे थे कि कम्युनिकेशन की सीरियस प्रॉब्लम है, बिल्कुल है, लेकिन वो प्रॉब्लम आपकी कम थी। जब आप यूनिवर्सिटी से डिग्री करके जाए तब नहीं होनी चाहिए। Determination has to be inculcated. यदि 4-2 साल पहले आपकी जो प्रॉब्लम थी, 1 साल पहले जो आपकी प्रॉब्लम थी, जब आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया तब आपकी प्रॉब्लम थी, 2 साल बाद भी प्रॉब्लम आपके रह रही है, तो फिर प्रॉब्लम आपके साथ है। किस अप्रोच के साथ जा रहे हैं? यदि आपको मान के चलिए आपको किस चीज से फर्क नहीं पड़ता, तो बाद में दुनिया को भी आपसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट हैज टू बी योर परस्पेक्टिव कि आपको यदि क्वेश्चन नहीं आता और नींद आ रही है, सो जाइए भाई, फिर सफलता की मत सोचिए। क्वेश्चन यदि अनआंसर्ड है आपको नींद नहीं आनी चाहिए।